हेलो भाई, कैसे हो आप सब? मतलब सरप्राइज मिल गया। मैं अचानक से आ रहा था, अचानक मुझे मूड बना कि मैं भाई को कॉल करता हूँ। भाई साहब कॉल किया, 5 मिनट बाद मिल गया। इधर ही से हम आ रहे थे सिलीगुड़ी खाली करके और भाई जा रहे पूर्णिया। टैग में मिलेगा, पूरी सपोर्ट करेंगे। फॉलो करिए भाई, सब्सक्राइब इनको आगे बढ़ाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। देवू खान भाई आप तो उन्हीं के चैनल से देख भी रहे हैं, ठीक है। ये रही भाई BDM भाई जान की गाड़ी। ये भाई ये था मेरा ड्रीम, BDM की भाई जान की गाड़ी में थोड़ा बैठ सोना बोना आपका सभी इसी में। भाई सो जाता है छोटा भाई पीछे ढाला पे, चाहे ठंड हो जाए तिरपाल ओढ़ के सोता है। भाई क्या करेंगे, काम है अपना, अपना संपत्ति अपनी गाड़ी है, कहीं भी हम सो सकते हैं। बस खाना वगैरह खा लिया और शौकत भैया बैठे रेस्ट पे, तो दरभंगा से अभी हम निकल गए। जल्दी जाते हैं, भाग के आ जाएंगे, भाग के पहुंच जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देवू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था पहुंच आए थे, 20 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर, तो देखते हैं फिर यहां से। अभी जस्ट ना उठे, रात को तो सो गए थे यहीं पे, तो अभी फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह धो दिए। शौकत भाई अभी धो रहे कपड़े, मैंने धो के तो अभी मैं आया गाड़ी में, तो मैंने सोचा कर लेते हैं शुरुआत आज फिर से नए व्लॉग की। तो इंशाल्लाह आज रात को हो जाएंगे एंटर हम अपनी मंडी में भी पूर्णिया में। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब एंड इंस्टा पे कर दे फॉलो। फेसबुक पेज जिस भाई ने फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज है देवू खान व्लॉग्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी फॉलो कर दे। तो आपका भी ज्यादा समय न गवाते हुए करते हैं आज का व्लॉग भी यहीं से कंटिन्यू। तो उस वाले ढाबे से निकल आए, अब आगे कहीं करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहाँ बस आके रुकी थी, तो बस से एक ही बार 50-60 बंदे आए खाने के लिए। फिर हमने सोचा ये अब हमें इतना नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो उस 60 की तरफ ज़्यादा ध्यान देते। तब आगे रुकते हैं कहीं करते हैं ब्रेकफास्ट अच्छे से। तो अभी चल रहे हैं फिलहाल बिहारी में। तो रुक के यहाँ मुजफ्फरपुर से पीछे एक टोल पड़ता है, यहीं पे रुके अभी, यहीं पे कुछ लेते हैं ब्रेकफास्ट में कि लेट हो रहा है। फिर तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी एक मिल गई, मैं जूम करके दिखाता हूँ, 2121 वो जो खड़ी है। तो अनवर भाई इसको चलाते हैं, तो इनका माल था पुत्री का। ये रहे अपने अनवर भाई, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त है। आज अपना दोस्त बहुत समय बाद, लेकिन आरजे मुन्ना व्लॉग इनका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें जाके आरजे मुन्ना व्लॉग। काफी मेहनत करते हैं भाई, सोपर श्रीनगर से कोलकाता तक एक व्लॉग बना रहे, सोचो कितना इंटरेस्टेड होगा, और खाली 12 मिनट का। तो भाई को काफी ज्यादा सपोर्ट करें, जैसे हमें प्यार दे रहे हैं ऐसे भाई को प्यार दें। तो अभी भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी वापस जा रहे हैं गोपालगंज। वहाँ से क्या बार क्या रेट वगैरह पता? अभी 230-240। हाँ अभी इतना ही है, ठीक है। तो हो सकते हैं हम भी जल्दी जल्दी जाते हैं, भग के आ जाएंगे, भग के भग के पहुँच जाएंगे। फिर चले टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रेश माल है भाई, सच्चा माल है। तो ठीक है, मुन्ना भाई को सपोर्ट करें, मुन्ना भाई MBBS देखो टना टना अपने व्लॉग में मिलेगा मुन्ना भाई आपको नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी अपने वाला अपने व्लॉग में। तो ठीक है हम भी करते हैं, चलो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना मुन्ना भाई का। तो चलो ठीक है निकलते हैं, मस्ती मजाक चलती रहती है, सीरियस नहीं लेना, तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर। तो हम भी निकलते हैं आगे क्योंकि लेट हो रहा है, चलें भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मुन्ना भाई की। तो निकल आए मुन्ना भाई को भी मिल के, तो अभी जा रहे हैं। तो अपने बंदे को भाई ना अगर बाहर बंदा मिलता है ना, अगर कितनी भी थकावट होती है खत्म हो जाती है भाई, अपने बंदा कोई भी बाहर मिलता है खुशी लगती है, चाहे वो कितना दूर का। नहीं तो मैं बांडीपुरा को हूँ, मुन्ना भाई गांधरबल का, काफ़ी दूरी है आपस में, बट यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, अपनापन दिखता है बिल्कुल भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दूर का है। वहाँ का कोई भी बंदा मतलब मिलता है ऐसा लगता है सभी अपने। तो फिलहाल कंटिन्यू है सफ़र हमारा, आगे देखते हैं रुकेंगे किसी जगह, कोई वर्कशॉप वगैरह या बैटरी वाला मिल जाए, थोड़ा लिफ्ट में इशू है उसकी सेटिंग वगैरह करेंगे, और अपना जो ये टैप है भाई तो इसको भी कुछ इशू हो गया, स्टीरियो है जो वो नहीं चल रहा है, तो चेक वगैरह कर देते हैं।
खुद किया था बट फ्यूज वगैरह सब सेट थे। तो ये रही भाई अपनी मुजफ्फरपुर वाली कंपनी जहाँ से लास्ट टाइम हम भर के गए थे राइस, और यहाँ पे हम रुके थे 2 दिन इस वाली जगह पे। तो गाइस बज रहे दिन के 2, तो पहुँचाए हम दरभंगा। लास्ट टाइम इधर से बैटरी डलाई थी इसी गाड़ी में भाई, इसी वाली लोकेशन पे हम रुके थे। तो वहाँ पे 1-2 दिन खड़े थे, जब लोडिंग नहीं मिल रही थी खाली करके यहाँ आए थे। ये वाला पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मुंह वगैरह धोते थे। और गाड़ी की लिफ्ट में थोड़ा इशू है, अभी बैटरी वाले का शॉप वो वहाँ पे है, आ रहा है, लिफ्ट को भी नज़र देगा क्योंकि गाड़ी बैक करनी बहुत मुश्किल हो जाती है लिफ्ट जब तक उठेगी नहीं। तो करते हैं लिफ्ट का काम भी, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे तो निकल जाएंगे आगे। और यही है अपना पूर्णिया वाला और गुवाहाटी वाला रोड, तो करते हैं लिफ्ट का काम, उसके बाद करते हैं खाना खा के निकलते हैं आगे। गाइस देख रहे हो आप, पूरी हेलीकॉप्टर जैसी कार है भाई। और भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन है, पता नहीं ये किस लिए है, प्यार नंबर गाड़ी है। आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट जरूर करना, उड़ती भी होगी कि या रोड ही पे चलती है, मैंने तो रोड पे चलती हुई देखी है, आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट जरूर करें। भूख लगी? भूख बहुत लगी, तैयार है लेकिन अभी खाएंगे नहीं, पहले कंप्लीट करेंगे काम उसके बाद खाते हैं। तो वायरिंग का काम चल रहा है तो हमने सोचा खाना खा लें क्योंकि टाइम भी हो गया, देरी भी लाया, अभी तो 4:30 बजने वाले हैं, तो खाना खाते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया और शौकत भैया बैठे रेस्ट पे, तो दरभंगा से अभी हम निकल गए। अभी कितना है शौकत भाई और आगे हमें जाना? अभी 250 किलोमीटर और जाना है। तो लास्ट टाइम हम जब आए थे दरभंगा मंडी में और शमीम भाई आए थे तो यहीं पे खाली करके गए थे अंदर सिटी में, तो अभी यहाँ से आगे और 250 किलोमीटर जाना है। मेरा तो मन ये कर रहा है अगर गुवाहाटी का लोड होता और भी मस्त था, सिलीगुड़ी तो कम से कम रहना चाहिए था। ओ बकरी, और देख रहे हो कितनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं भाई, सब में चावल ही लोड है। अब पता नहीं गवर्नमेंट वाला माल है या प्राइवेट है वो पता नहीं, वो अपना भी काम वगैरह अच्छे से हो गया गाड़ी का, मतलब लिफ्ट का चक्कर था जो वो भी ठीक, प्लस अपना जो स्टीरियो है ये भी ठीक हो चुका है, तो क्योंकि इसके बगैर बंदा बोर हो जाता था जब लेट नाइट चलता था अकेला। तो बाकी देखते हैं हम भी वहाँ इंशाल्लाह पहुँच जाए, देखते हैं वापसी में हम भी क्या भरेंगे। तो भाई आप पूछ रहे थे आप दिन में गाड़ी क्यों नहीं चलाते, दिन में गाड़ी चलाने का ये वजह है कि मैं सवेरे थोड़ा सा लेट उठता हूँ तो ये भाई निकल आते हैं, फिर तब तक ये गाड़ी नहीं रोकते जब तक ये अच्छे से थकते नहीं है, तो अभी के टाइम ये रेस्ट करते हैं। वैसे शाम के टाइम भी गाड़ी चलानी वैसी ही है, दिन को भी वैसी ही है, वो एक ही सी बात है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। शाम के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है शौकत भाई, क्योंकि छोटी गाड़ी वाले सभी लोग काम से कोई वापस जाते कोई कहाँ से, तो एक ही सी बात है दिन को चलाओ या रात को चलाओ, बस चलाओ भाई। सोचा भी नहीं था एकदम से BDM भाई जान, ओह भाई मतलब अचानक से कॉल किया, मैंने बोला भाई कहाँ, बोला ऐसे फलानी जगह, मैंने बोला लोकेशन डालते हैं, अचानक से मिल। तो भाई जान दे रहे हैं BDM, भाई जान दे रहे हैं मेरी गाड़ी का भी रिव्यू बहुत मस्त तरीके से। और ये हो गया अपने छोटे भाई, हम छोटे भाई उनके छोटे भाई अपने बड़े भाई बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाई ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया था मुझे जब मैं YouTube छोड़ रहा था, तो भाई ने बोला भाई कि नहीं नहीं है, बनाते रहना बनाते रहना, मीडिया क्या है हम लोग ऐसे ही आते हैं, देखो भाई अपने व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अब हमारे खुद भाई जान लेंगे फोन हाथ में और खुद बनाएंगे। हेलो भाई कैसे हो आप सब, मतलब मेरे सरप्राइज मिल गया, मैं अचानक से आ रहा था, अचानक मुझे मूड बना कि मैं भाई को कॉल करता हूँ। भाई साहब कॉल किया 5 मिनट बाद मिल गए, इधर ही से हम आ रहे थे सिलीगुड़ी खाली करके और भाई जा रहे पूर्णिया, तो भाई जान का चैनल BDM जो कि लिंक सीधा टैग में मिलेगा मेंशन होगा, पूरी सपोर्ट करेंगे, फॉलो करिए भाई, हाँ प्राइस इनको आगे बढ़ाइए जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब करिए देवू खान भाई, आप तो उन्हीं के चैनल से देख भी रहे हैं, ठीक है ठीक है, पूरा सपोर्ट चाहिए चलिए। आप निकले यहाँ पे चाय का दुकान है भाई, नहीं है नहीं तो भाई के साथ बैठ के चाय का भी होता नाश्ता का भी होता, हमें भी लेट हो रहा है तो दिखाते हैं थोड़ा बहुत भाई जान की भी गाड़ी, चलिए इधर अपनी गाड़ी उस पार में चलते हैं भैया, अपना तो भाई छोटी गाड़ी जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ये रही भाई BDM भाई जान की गाड़ी, ये इनका लागो है और सर्च करने खुद ही देख रहे हो, इंस्टा पे भी यही है और फेसबुक पेज भी इसी नाम का है,
और भाई की कमाल है भाई, हम इतनी बड़ी गाड़ी में मतलब इतनी जगह हो के सब कुछ हो के फिर भी खत्म हो जाते हैं। देख रहे हो भाई की हालत भी और हमारी भी, टूटे पड़े भाई। और ये अंदर से दिखाते हैं आपको पिकअप, अंदर से नॉर्मल है जैसे सब गाड़ियां रहता है। हम ज्यादा डेकोरेशन वगैरह करवाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार करवाने वाले हैं, इस बार करवाने वाले हैं, करवाएंगे क्योंकि दो साल। ये है भाई, ये था मेरा ड्रीम BDM की भाई जान की गाड़ी में थोड़ा बैठे। और ये भाई काफी मेहनत करते हैं भाई, सीट अगर सब कुछ तो ये मतलब सोना वोना आपका सभी इसी में हो जाता है। छोटा भाई पीछे ढाला पे चाहे ठंड हो, तिरपाल ओढ़ के सोता है। भाई क्या करें, काम है अपना, अपना संपत्ति अपनी गाड़ी है, कहीं भी हम सो सकते हैं, बस हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, ड्राइवर लाइन ऐसा होता है, बर्दाश्त करना। सही है सही है। तो चलो फिर करते हैं भाइयों से थोड़ी देर बातें, तो फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो बाकी अभी अपना 250 बचा है ना पूर्णिया, 250 आज मंडी करनी करनी है, पहुंच जाएंगे आप अभी, आप पता है 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से, मतलब आराम से जाएंगे 10 बजे तक। और आज आपको थोड़ी गाड़ी खाली होगा, आपका जब भी खाली होगा सुबह खाली होगा, मॉर्निंग टाइम 4 बजे के, नो एंट्री एरिया नहीं, नो एंट्री नहीं है पूर्णिया में, कभी नो एंट्री नहीं लगता। ओके फिर निकलते हैं, फिर बातें करते हैं 5-10 मिनट निकलते हैं भाई। आपकी अभी लोडिंग होगी? हमारा कल का लोडिंग है शायद। कहाँ से? नहीं बगल से, 1 किलोमीटर आगे से घूमना है हमें। लख 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 और अंदर गांव में चले जाएंगे, जैसे 40 किलोमीटर तक गांव में कॉल नहीं करते, घूम जाते अंदर। तो चल रहे हैं गाइस, अंधेरा भी हो चुका है, तो BDM भाईजान भी चले गए क्योंकि उनको दरभंगा से लोड करना था और आगे फोग भी थोड़ा थोड़ा है भाई, तो उनको दरभंगा से कल शाम की लोडिंग थी वापस मेरे ख्याल से वाराणसी के लिए। तो हमें भी अभी 180 किलोमीटर बचा है अपना पूर्णिया, तो फिलहाल कंटिन्यू ही चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के, सीन ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं था भाईजान मिलेंगे, नहीं तो मतलब पहले ही किसी जगह रुकते, मैं अचानक कॉल करा तो मिल गए, पहले रुकते अच्छे से मिलते चाय वगैरह पीते। तो चलो इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे, रोड लाइफ ऐसी है कभी भी मिल सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे भाई जाने बढ़िया। तो गाइस छोड़ दिया हमने जो सिलीगुड़ी वाला रोड था, उससे मुड़ के गुवाहाटी वाले रोड से तैर यू टर्न गोल चक्कर काट के राइट हैंड अभी पूर्णिया पहुँचा है। अब थोड़ी देर में हम मंडी पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचते हैं एक बार मंडी में, तो मंडी पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली एंटर हो चुके हैं मंडी में और टूल पे बैठा हूँ भाई, क्योंकि वायरस लग रही है वही पकड़ रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, तो मंडी थोड़ी टाइट सी है। दूसरी एक और वो गाड़ी खड़ी है जम्मू वाली, वो भी अभी खाली नहीं हुई है, अंधेरा है इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो उधर लगाएंगे उस पड़ पे, फिर देखते हैं कब करते हैं खाली। तो भाई एक ही बार पहले गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, खाना वगैरह भी बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। तो बन रहे हैं गाइस अपने चावल भी, सब्जी तो बनी है, तो चावल बन जाए फिर खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद सो जाएंगे आज आराम से, और सुबह 6 बजे उठेंगे या 7 बजे। बाकी कपड़े वगैरह देख रहे हो सूखने के लिए, अभी गीले ही हैं ऐसे, क्योंकि अब गर्मी कम होगी, पहले तो जल्दी से सूख जाते थे, आज थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो रखते हैं आज के व्लॉग में भी इतना ही, अगर आपको किसी भी एंगल से व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज जिसने फॉलो नहीं किया फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट व्लॉग दिखाते हैं आपको मंडी यहाँ की पूर्णिया बिहार की, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो भाई बाय बाय बोल दो ना जोर से खा के। ओके बाय बाय।